share together. प्रियंका चोपड़ा अपने अफेयर के साथ सलमान खान की फिल्म भारत को लेकर भी काफी लाइमलाइट में हैं। इस फिल्म के साथ प्रियंका 2 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। खबरों की माने तो इस फिल्म के लिए प्रियंका ने काफी अच्छी खासी रकम मांगी है। प्रियंका बॉलीवुड के साथ अब हॉलीवुड स्टार भी हो गई है। बॉलीवुड में मेल एक्ट्रेस की फीस फीमेल एक्ट्रेस के मुकाबले अक्सर ज्यादा होती है। ऐसे में प्रियंका कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण को फिल्म पद्मावत के लिए शाहिद और रणवीर से ज्यादा फीस मिली थी। ऐसे में प्रियंका कैसे पीछे रह सकती हैं? रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका की टीम ने 14 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, पर काफी बातचीत के बाद मेकर्स ने प्रियंका को 12 करोड़ में मना लिया है। अब प्रियंका बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई है। हाल ही में प्रियंका ने फीस में असमानता को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको किसी भी बड़े स्टार के साथ कास्ट किया जा रहा है तो फिर आपकी फीस को लेकर ज्यादा कोई बात नहीं करता। बता दें कि प्रियंका ने 2 हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली है। एक है ए किड लाइक जैक जो जून में रिलीज होगी, तो वहीं दूसरी फिल्म का नाम है इजंट इट रोमांटिक। ये फिल्म वैलेंटाइन डे के मौके पर रिलीज होगी। इस फिल्म में प्रियंका एक योगा टीचर का रोल प्ले कर रही हैं। बॉलीवुड के अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।